गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस, सो प्लीज़ ओपन योर साइंस बुक। इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 मून एंड एक्लिप्सिस, और इसमें आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। हमारे कुछ रिमेनिंग हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो देख लेते हैं इसको। क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट साइंस, डेट 9th Feb 2021, लेसन नेम मून एंड एक्लिप्सिस। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इसमें रिमेनिंग है, उसे हम करते हैं। हाउ इज़ ल्यूनर एक्लिप्स कॉज? ल्यूनर एक्लिप्स किस तरह से होता है, क्यों होता है, ल्यूनर एक्लिप्स कब होता है? तो देखते हैं। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, जो जब क्या होता है, व्हेन द अर्थ कम्स, जब जो हमारी पृथ्वी है वो किसके बीच में आ जाती है, सन और मून के बीच में, चंद्र और सूरज के बीच में आ जाती है पृथ्वी, तो क्या होता है, ल्यूनर एक्लिप्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इस पे मैं करवा रही हूँ आपको। गिव थ्री यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स टू मैनकाइंड। मैनकाइंड के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्या यूज़ है, वो हमने लिखने हैं। कोई तीन पॉइंट हम लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज फॉर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज होती है किसके लिए, देखिए। फर्स्ट है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन एंड स्पेस की जानकारी के लिए, स्पेस की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से। सेकंड है टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मैसेज भेजने के लिए यूज़ किया जाता है एक देश से दूसरे देश में। थर्ड पॉइंट है दे कैन गिव इंफॉर्मेशन एंड वार्निंग ऑफ डेंजरस स्टॉर्म, साइक्लोन, फ्लड, ETC। मतलब ये हमें जानकारी देते हैं, चेतावनी देते हैं पहले ही खतरे की, जैसे कि अगर तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सिलेक्टेड करवाए हैं वही आपसे एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, और इनको आपने अपनी कॉपी में भी करना है अच्छी सी हैंड राइटिंग में। ठीक है, तो इसे करिए आप अपनी कॉपी में।